रणवीर सिंह ने करीब 4 महीने बाद मारी सोशल मीडिया पर एंट्री। शेयर किया पोस्ट, सुशांत के लिए किया था आखिरी ट्वीट। फैंस ने भी दिया अपना रिएक्शन। आखिर क्या है रणवीर सिंह का ये नया पोस्ट, आइए जानते हैं। एक्टर रणवीर सिंह वैसे तो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल एकदम छोड़ दिया था। एक्टर किसी भी मुद्दे पर कुछ भी लिखते नहीं दिख रहे थे। यहाँ तक कि दीपिका का नाम ड्रग केस में सामने आने के बाद भी रिपोर्टेडली उन्होंने इस बारे में कोई भी रिएक्शन अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया। लेकिन अब लगभग 4 महीने बाद रणवीर सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट भी उन्होंने एक संदेश देने के लिए किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। त्योहारों के करीब आते देख पीएम मोदी ने सभी से ज्यादा सावधानी और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। उनके इस आंदोलन में बॉलीवुड सेलेब सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में एक्टर रणवीर सिंह ने भी पीएम की मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने पीएम की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने हैशटैग यूनाइट टू फाइट कोरोना का इस्तेमाल भी किया है। वेल, रणवीर सिंह के इस पोस्ट पर लगता है जैसे फैंस खासा खुश नहीं है। 4 महीने बाद किए रणवीर के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें कर दिया है ट्रोल। आखिर क्या कहना है उन ट्रोलर्स का, आइए जानते हैं। वहीं रणवीर सिंह पिछले काफी समय से सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। जब दीपिका पाडुकोन से एनसीबी की पूछताछ हुई थी, उस समय भी उनकी तरफ और दीपिका की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, जिस कारण उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा था, निशाने पर लिया जा रहा था। लेकिन दोनों ने रिपोर्टेडली किसी भी बात पर रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा। वेल, फिलहाल आप हमें बताएं रणवीर के इस पोस्ट पर और फैंस के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.